नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। नगर पालिका सिद्धार्थनगर के कृष्णा नगर में नगरवासी जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं और संचारी रोग अभियान की धज्जियां उड़ा रहा है। नगर पालिका में सड़क और घरों के इर्द गिर्द पानी का जमाव है, जो संक्रमित बीमारियों को दावत दे रहा। कृष्णा नगर का मामला, जो सदर थाना क्षेत्र के नगर पालिका कृष्णा नगर वार्ड जल जमाव का शिकार पिछले कई महीनों से बना हुआ। नगरवासियों का कहना है कि नगर पालिका राजनीति का शिकार मलिन बस्ती होने के बावजूद यहां कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। पूर्व जिला अध्यक्ष बसपा चंद्रिका गौतम ने कहा कि नगरपालिका फोन उठाने में आनाकानी करते हैं, निदान तो दूर की बात है। पीसी सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। नाम है आपका, रहने वाले कहाँ के हैं? हम कृष्णा नगर वार्ड नंबर 13 के रहने वाले हैं। मेरा नाम मुनीलाल यादव है। समस्या क्या है आपकी? समस्या है सर कि हमारे घर के दोनों तरफ की नालियाँ इस तरफ से उस तरफ पानी बह रहा है और आज हफ्तों दिन से जाम है। किसी का नाम लेने पर नगर पालिका पर कोई सुनता नहीं है कर्मचारी। ऐसा कारण कैसे उत्पन्न हो गया? अब शहर का बहुत बड़ा पानी का बहाव इधर है, पूरे शहर का पानी इधर आता है, पूरे वार्ड का पानी आता है। सबसे आखिरी छोर पर हम बसे हुए हैं, इसलिए मेरे घर में पानी सब जा रहा है। पहले पानी कहाँ निकलता था? पहले पानी निकलता था रेलवे लाइन में चला जाता था, तो रेलवे लाइन वाले अपना कम्प्लेक्स पाट दिया, इसलिए पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। लगभग कितने लोग प्रभावित होंगे इससे? कम से कम दो वार्ड, रामनगर और कृष्णा नगर, दोनों वार्ड का पानी आता है। वहाँ रेलवे गेट क्रॉसिंग के पास तक का पानी आता है, अब्दुल्ला कॉलोनी का भी पानी आता है और उधर जो है विद्या मंदिर के स्कूल तक का पानी आता है। सुनने में लोगों घरों में भी पानी भर गया है। हाँ, तो कैसे लोग रह रहे हैं? रह क्या रहे हैं, कीड़े मकोड़े सब अंदर जा रहे हैं, पूरी पानी बचा रही है, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, दो तीन लोग बीमार हैं। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि कम से कम सफाई तत्काल हो, कार्रवाई हो उन लोगों के ऊपर। नगर पालिका वाले लापरवाही बहुत ज्यादा कर चुके हैं, फोन करने पर कोई भी आदमी ऊपर से नीचे तक नहीं सुन रहा है। नाम है आपका, रहने वाले कहाँ के हैं? चंद्रिका प्रसाद गौतम नाम है, कृष्णा नगर मोहल्ले के निवासी हैं। जल जमाव के लिए क्या समस्या आ रही है? जल जमाव के लिए बहुत ही ज्यादा समस्या है। इस समय पूरा का नाम मोहल्ला जो है एकदम जल निकासी की समस्या से पूरा परेशान है। तमाम लोग मोहल्ले के जो है लोग अध्यक्ष के पास टेलीफोन कर रहे हैं, वो फोन उठा ही नहीं रहे हैं, उनसे कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। और तमाम, जबकि नगर पालिका का दावा है कि हम पूरा इतना पैसा सफाई पे खर्च कर रहे हैं, नाली पे इतना खर्च कर रहे हैं, तमाम ठेकेदार जो है इनके कर्मचारी लगे हुए हैं ठेकेदारी पे तमाम, लेकिन कहीं कोई कर्मचारी नहीं दिखाई दे रहा है। इस समय संचारी रोग का अभियान चल रहा है, दस्तक का अभियान चल रहा है और बरसात का महीना है, रोगों का संक्रमण बढ़ रहा है, एंटीफ्लाइटिस के मरीज बढ़ रहे हैं, तो इसी में आप लोग कैसे रह रहे हैं? पूरे मोहल्ले में ऐसा कोई परिवार भी नहीं बचा जिसके वहाँ कोई ना कोई बीमार हो। सारा जो है मच्छरों का प्रकोप बढ़ा हुआ है, जितना पूरा जल जमा है सारे मच्छर इतने पैदा हो रहे हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कहीं कोई दवाई का छिड़काव नहीं। नगर पालिका द्वारा क्या कदम उठाया? कुछ नहीं, कोई नहीं भाई, कह तो रहे हैं कुछ नहीं सुनवाई। क्या चाहते हैं आपको? जल्द से जल्द इस काना में जल निकासी समस्या जो है इसका समाधान किया जाए और यहाँ मोहल्ले में दवा का छिड़काव कराया जाए। तमाम जो हमारे मोहल्ले में बीमारी हैं उनको जांच करवा कर दवाई दिलाया जाए, तमाम समस्याएं हैं इसको किया जाए। पहले पानी कहाँ जाता था जो आज जल जमाव में बदल गया? पानी जब जाता था सब कचरा जाम हो गया, इधर सब चला जाता था जो नाली बना हुआ था, इधर रेलवे की जमीन में चला जाता था। अब चूंकि वो जाम हो गया, कहीं कोई सफाई अभियान ही नहीं है, कहीं कोई सफाई नहीं कर रहे हैं कोई, यानी नरकीय जीवन है कृष्णानगर वासी। कृष्णा नगर के जैसे ये मलिन बस्ती है, उस मलिन बस्ती के लोग ही जो है एकदम पूरा उसी तरीके से, कोई यहाँ ध्यान ही नहीं दे रहा है, सारे लोग जो है कोई मतलब ही नहीं है। उपेक्षा का शिकार क्यों है कृष्णा नगर? इसलिए राजनीतिक देशभावना से है और क्या, क्योंकि ये दलित बस्ती है, लोग कहते हैं यहाँ हमारा वोट नहीं है, वोट की राजनीति है और क्या।